मैदान पर अंपायर की मौत। इंग्लैंड में हुआ ये हादसा। फील्डर का थ्रो सिर पर लगा, चोट लगते ही गिर पड़े अंपायर। क्लब मैच में कर रहे थे अंपायरिंग 72 साल के एल्विन जेनकिंग्स कर रहे थे अंपायरिंग। मैदान पर अंपायर की मौत की पहली घटना। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के भाग्य विधाता अब खतरे में है। खतरा है उन्हें गेंद से, बल्लेबाजों के बल्ले से निकली गेंद से, गेंदबाजों के थ्रो पर आती गेंद से। 2020 क्रिकेट के इस दौर में जब बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाने की कोशिश में गेंद पर करते हैं जोरदार वार, तो फील्डर हर रन बचाने के लिए करते हैं हर संभव कोशिश। ऐसे में मैदान पर खड़े अंपायर गेंदों की इस मार से कहां तक सुरक्षित हैं? मैदान पर मौत की ये वजह दूसरी ही घटना है। ऐसी एक घटना में बांग्लादेश में भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज रमन लांबा की मौत हो गई थी। क्लोज फील्डिंग करते हुए बल्लेबाज का एक शॉट लांबा के सिर पर लगा और वो मैदान में ही गिर पड़े। लेकिन इंग्लैंड में अंपायर की मौत की हुई ये दुखद घटना दूसरी ही है। लेकिन इस दुखद घटना के बाद अंपायरों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या अंपायरों को मैदान पर अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए? फास्ट एंड फियर्स क्रिकेट के इस दौर में गेंद कभी भी अंपायर को लग सकती है। मैदान पर क्लोज फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी और विकेटकीपर तो मौजूदा दौर में पूरी सुरक्षा के साथ उतरते हैं, लेकिन अंपायर ही मैदान पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उतरते हैं। ऐसे में 72 साल के जेनकिंग्स की मौत अंपायरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।